हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नया और एक वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे, तो संडे का मतलब है मतलब बहुत कुछ खाने पीने का है। तो सुबह से ही खाने पीने का, अच्छे खाने का तैयारी है। तो ये है साउथ इंडियन का सबसे फेमस डिश है, मसाला डोसा, चटनी, सांबर और बड़ा। ये है साउथ इंडियन का सबसे खास रेसिपी। मतलब ये सुबह सुबह कोई भी मतलब दुकान में जाओ, यही सब लोग खाते हैं। तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिए हम चले आए किचन में, क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन हमारा फौजी साहब की दोस्त लोग, उनको रिक्वेस्ट किया है मछली खिलाओ। जैसे कि बंगाली लोग दिखते हैं ना, तो सब लोग बोलता है दादा मछली खिलाओ। तो उसी हिसाब से कब से हम लोगों को बोल रहे हैं, तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, मछली लाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली वो मौका मिल गया, हम मछली लेके आए और मछली बनाने में भी शुरू कर दिया हम। तो पहले तो कुछ मछली फ्राई कर दिया, क्योंकि 1.5 किलो से ज़्यादा ही होगा मछली है। तो फ्राई करके उसको पहले थोड़ा काढ़ी बना देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12 बजे तक उन लोगों को, 12-12:30 बजे तक उन लोगों को बना के रेडी करके देना है। तो पहले ही हम सारे काम छोड़ के लग गए मछली बनाने के लिए। तो उसके बाद ही मेरा घर का काम होगा। तो आप जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी तक, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छे होंगे, और नहीं होगा तो चैनल को, वीडियो अगर अच्छे लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और आप लोग सोचते होंगे जे दीदी तो रोज़ बंगाली में ब्लॉग करते, आज कैसे हिंदी बोल दिया? तो मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उन्होंने बोला है जे दीदी आप हिंदी में ब्लॉग करो। तो उन्हीं का रिक्वेस्ट में आज मेरा हिंदी ब्लॉग है। तो पहले मैं 2-3 बार शायद बनाया था हिंदी ब्लॉग। तो आप लोगों के साथ बात करते करते देखिए मेरा मछली बन के रेडी हो गया। अभी टिफिन में दे भी दिया उन लोगों को, अभी फौजी साहब ने पूछ देंगे तो देंगे। उसके बाद देखिए मैं आ गई बाहर, और देखिए मेरा ये कौन सा पेड़ है आप लोगों को बताना पड़ेगा। और मैं इसी पेड़ है ना, बहुत ही मुश्किल से इसको मैंने पाला है, क्योंकि जब लाए थे ना उसके बाद थोड़ा सूख गया था। तो इसको पानी डाल के इतना मैंने उसको सेवा किया, तो अच्छा से नया पत्ता आने लगे। तो आप लोग ज़रूर बताना ये कौन सा पेड़ है। मैं एक दिन आप लोगों को साथ शेयर भी किया था। अरे देखिए, ये हमारा बंगाली में बोलता है थानकुनी। तो देख आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना वो कौन सा पेड़ मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, और उसी से पता चलेगा कि मेरा वीडियो कौन अच्छा से देखता है, ठीक है। और आप लोगों को पेड़ दिखाने के बाद देखिए मैं बर्तन साफ करने के लिए आ गई। तो मेरा कुछ सामान राशन का तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मायने का फास्ट है तो फिर लाएंगे, तो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा डिब्बा जितना है खाली उतना मैं साफ करके रख देती हूँ। तो उतना ही 4-5 डिब्बा में सामान ख़त्म हो गया था, तो उनको मैं साफ करके रख दिया। तो बाहर बहुत अच्छा धूप हो रहा है, तो सुखाने के लिए दे दूँगी। और देखो हस्बैंड ने मार्केट से लाया है ये नारियल है, नारियल नहीं डाब बोलता है बंगाली में। तो उसका पानी सुबह सुबह बहुत अच्छा होते है पीने के लिए। और अनार लाया है, पपीता और अमरुद, ये तीनों फ्रूट डेली का है, हस्बैंड को लेना ही है, क्योंकि उसका बीपी बहुत ज़्यादा है। तो ये खाने से बोलती है थोड़ा बहुत ठीक रहता है, तो इसलिए लाया।
तो जिन जिन लोगों का बीपी ज़्यादा है उन लोग सुबह अगर खाली पेट में एक ग्लास डाब का पानी पिए, मतलब नारियल का, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बीपी कंट्रोल में आ जाती है। और अनार का जूस पीने से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है बीपी। मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये डेली का खाने के बाद ये लेता है। तो उसके बाद देखिए मैंने आ गई दोबारा खाना बनाने के लिए, दोपहर के खाना है ये। तो आज बनेगा चिकन बिरयानी और चिकन करी। तो दोनों मतलब पूरी तरह से चल रहा है, खाने पीने का तैयारी दोनों कढ़ाई मैंने बैठा है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि पहले मैंने मछली बनाया आप लोगों को साथ शेयर किया थोड़ा बहुत, उसके बाद देखिए बिरयानी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोगों को साथ पूरे नहीं मैंने शेयर किया है, थोड़ा बहुत किया है। तो पूरा तैयारी मैं खुद करके, मैं कोई हेल्प नहीं कर देता है ना, तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। तो पूरा तैयारी करने के बाद मैंने बनाया है, तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, 3 बज गया तक खाते खाते, तो एकदम फटाफट में बिरयानी बनाया और खाने पीने के लिए बच्चों को भी भूख लग गया था। तो सुबह तो एकदम हल्का ब्रेकफास्ट किया था साउथ इंडियन का, ये बहुत अच्छा लगता है डोसा। आप लोगों को किस किस को अच्छा लगता है ज़रूर बताना है। और देखिए मेरा बिरयानी बन के रेडी हो गया, आप लोग आ जाइए खाने के लिए। तो हम खाने के लिए भी पूरा तैयारी करके इधर ही लेके आ गए। मैं बोली किचन से बार बार जाओ और आ जाओ ना, बहुत ही मतलब ज़्यादा ये हो जाता है, तो इधर लेके आ गया। देखिए कैसे हुआ कलर मेरा बिरयानी का, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी है शाम हो गया, तो शाम को तो थोड़ा बहुत नाश्ता हम लोग कर ही लेते हैं, चाय के साथ कभी समोसा कुछ खा लेती है। तो आज देखिए मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना, उन्होंने लेके आया हम लोगों को लिए, तो हम खाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताना है, और आगे से कौन से वीडियो देखना चाहती हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी कोई आके मुझे रिक्वेस्ट किया है जे हिंदी ब्लॉग बनाओ, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने बनाया है। और आप लोग कोई अगर नहीं हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को देखिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखते रहना, आप लोग रिक्वेस्ट करते रहना, ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों का रिक्वेस्ट रखने के लिए। तो आज का वीडियो यही तक था, आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, सुस्त रहे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा मुन्ना है, देखिए कुछ बोल रहा है, कुछ बोलो मुन्ना। हाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो भी हमारा ब्लॉग देखा और उनको भी अच्छा लगे, तो वो भी अपने दोस्तों को भेजा, ऐसे कंटिन्यू रखना और हमें सपोर्ट हमेशा करना और हमेशा प्यार देते रहना। तो ज़्यादा अच्छे लगे तभी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने रिश्तेदारी के साथ। तो चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।